बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल सॉल्ट एंड चिलीज में। हर रोज की तरह एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है आलू मेथी की। और इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर कटी हुई प्याज और लहसुन। इसको फ्राई करूंगी अच्छी तरह, इसको गोल्डन करने मैंने लहसुन को और प्याज को। जी ये हल्के गोल्डन हो चुके हैं प्याज और लहसुन। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चें। अब हल्का इसको भी मैं फ्राई कर लूंगी। जी ये भी फ्राई हो चुका है। अब मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर तकरीबन एक कप पानी। अब मैं इसको लगा दूंगी प्रेशर ताकि लहसुन और ये प्याज है ये गल जाए। जी ये मेथी है, इसको मैंने बारीक काट कर बनने के लिए रख दी है। जी लहसुन और जो प्याज था वो गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर आलू। और इसको भी मैं हल्का सा भून लूंगी। कुछ मिर्च कुटी हुई मैं आधी चम्मच में डाल रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर नमक। नमक जो है वो मैंने लिया आधा चम्मच। हल्दी पाउडर लिया मैंने। अब मैं इसको भून लूंगी अच्छी तरह भूनने। जब ये भून जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मेथी उबली हुई। जी अब मैं इसके बाद इसके अंदर डालने वाली हूँ मेथी। उबली हुई मेथी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, अब वो मैं इसके अंदर डालूंगी। अब जो मेथी है इसका पानी खुश कर लेंगे, आपको नजर आ रहा होगा। जी मैं आपको दिखाती चलूं, मेथी का पानी जो है अब हम खुश करेंगे और ऊपर से ढांप देंगे ताकि इसके भाप से जो आलू है वो भी गल जाए। अभी हम इसको कवर कर देंगे। जी हमारी जो आलू मेथी का सालन है वो बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।